हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीबीज चैनल। आज हम स्टिच्ड ब्लाउज पे हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क करेंगे। ये ग्रैंड और ब्यूटीफुल हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने नॉर्मल सेविंग नीडल में 3 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड ले लिया है और फॉल स्टिचिंग नीडल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है। ये मैंने कुंदन्स लिए हैं, सबसे स्मॉल साइज़ के कुंदन्स हैं। और ये मैंने आरी वर्क के बीड्स लिए हैं। मार्किंग के लिए मैंने ग्लास मार्कर लिया है और साथ में मैंने ये ऑरेंज कलर का इस तरह का डोरी लिया हुआ है। इस तरह के डोरीज किसी भी कलर्स में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। हमें इस तरह का थिन डोरी ही यूज़ करना है। आज हम सिर्फ इन दो टाइप के नीडल से ग्रैंड हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क बनाएंगे स्टिच्ड ब्लाउज पे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह का कोई भी एक पतला सा कार्ड लेना है, थिन कार्ड, और उसके ऊपर हमें एक बॉबिन लेना है। इस बॉबिन के चारों तरफ हमें मार्क कर लेना है। सर्कल शेप में पेंसिल से मार्क बनाएंगे। ये देख सकते हैं, मैंने पूरा मार्क कर लिया है। और अब इसी को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। ये मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें इसे मिडल में से फोल्ड कर लेना है। इक्वली 2 पार्ट्स में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे जो फोल्डिंग आया है, उसी फोल्डिंग के ऊपर से हम कट कर लेने हैं। ये मैंने कट कर लिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम ब्लाउज़ पे वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने इस नॉर्मल सेविंग नीडल में कॉटन थ्रेड ले लिया था और उसमें 6 आरी वर्क के बीड्स ले लिए हैं। और इन्हें हमें ब्लाउज़ के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट रख के नीडल को अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े से डिस्टेंस पे, आप ये देख सकते हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे नीडल को पास कर लेना है। उसके बाद ये जो लास्ट वाले 2 बीड्स हैं, इन 2 बीड्स में से दोबारा से नीडल को पास कर लेंगे। इस तरह से ये सभी बीड्स फिक्स हो जाएंगे। इन आरी वर्क के बीड्स के बदले में आप बॉल चेन भी यूज़ कर सकते हैं। बॉल चेन को पहले फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक करके बाद में स्टिच करना है। और मैंने ये 6 आरी वर्क के बीड्स ले लिए हैं। एवरी टाइम 5 या 6 बीड्स ही हमें लेके इस तरह से स्टिच कर लेना है। और इस नीडल को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से थोड़े से डिस्टेंस में पास कर लिया है। उसके बाद ये जो लास्ट वाले 2 बीड्स हैं, इनमें से भी स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम फर्स्ट लाइन कंटिन्यू करेंगे। हमने ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें ये जो डोरी है, इस डोरी को हमने ये जो बीड स्टिच किए थे उससे बिल्कुल टच करके इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेना है। आप जो नॉर्मल सेविंग नीडल से यहाँ पे कॉटन थ्रेड से हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो इसे पहले फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक करके उसके बाद भी स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टिच कर रही हूँ। हमें इस डोरी के ऊपर से ही बिल्कुल नज़दीक में हमें स्टिच करना है। आरी मगम वर्क में इस तरह का डिज़ाइन ब्लाउज़ के ऊपर बनाया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसी तरह का डोरी यूज़ कर रही हूँ। इससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये डोरी है और इसे ब्लाउज़ के ऊपर स्टिच किया गया है। इसे नीडल को पास कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर प्लेन डोरी भी यूज़ करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इसी तरह से हम इस डोरी को स्टिच करके कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, मैंने डोरी को कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है और लास्ट में इसको कट करके यहाँ पे अच्छे से स्टिचेस डाल लिए के बैक साइड में नॉट्स लगा लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें जैसे फर्स्ट लाइन में हमने बीड स्टिच किए थे, उसी तरह से डोरी के बाद हमें 1 लाइन और आरी वर्क के बीड स्टिच करने हैं। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, मैंने आरी वर्क के बीड्स 3rd लाइन में कम्प्लीटली स्टिच कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें ये जो हमने कार्ड सेमी सर्कल शेप में कट किए थे, उनमें से 1 पीस लेना है और इसे ये जो हमने बीड स्टिच किए थे 3rd लाइन में, उसे बिल्कुल टच करके ब्लाउज़ के ऊपर रखना है और इस ग्लास मार्कर की मदद से सेमी सर्कल शेप में मार्क कर लेना है। इस तरह से हमें ये मार्क कर लेना है। उसके बाद इस मार्क के जो सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे और इस पॉइंट के सराउंडिंग हम एक और स्मॉल राउंड शेप बनाएंगे। इसी तरह से हम
पूरे ब्लाउज़ पे मार्क कर लेंगे। मैंने पूरा मार्क कर लिया है, ये देख सकते हैं। मैंने ये नीडल में 3 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है और यहाँ पे नॉट डाल लिया है। उसके बाद ये जो सेंटर में हमने मार्क किया था, वहाँ से ब्लाउज़ के बैक साइड से हमें नीडल को पास करना है। उसके बाद ये जो थ्रेड है, इसे हम लेफ़्ट हैंड में इस तरह से पकड़ के, हमने ये दूसरा वाला जो सेमी सर्कल शेप में मार्क किया था, वहाँ से उससे पहले थोड़ा सा डिस्टेंस में नीडल को पास कर लेंगे। हमें उस मार्क के अंदर से ही नीडल को पास करना है, उस मार्क से बाहर नहीं जाना है। और अब ये एक चेन स्टिच बन गया है। अब फिर से फिंगर में धागा पकड़ के इस नीडल को, इस स्मॉल हमने जो राउंड शेप बनाया था, वहाँ से फिर से नीडल को पास कर लेंगे। और अब ये एक और नॉट बन गया है, ये देख सकते हैं। फिंगर में इस तरह से फिर से धागा पकड़ के इस स्मॉल सर्कल में से दोबारा से नीडल को पास कर लेंगे और इसके थोड़े से डिस्टेंस पे नीडल को पास कर लेना है इस सेमी सर्कल शेप में, और इस धागे को छोड़ देंगे, ये एक नॉट बन जाएगा। फिर से फिंगर में धागा पकड़ना है, इस स्मॉल सेमी सर्कल शेप में से नीडल को पास करना है और इस ऊपर वाले सेमी सर्कल शेप में थोड़े से डिस्टेंस पे धागे को पास करके इस तरह से नॉट बनाएंगे। इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारे डिज़ाइंस स्टिच्ड ब्लाउज़ ऑन हैंड एम्ब्रॉयडरी में बनाए हुए हैं, उन सभी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो मैंने लेटेस्ट कुचू टसल्स डिज़ाइन, क्रोशेट का कुचू टसल्स डिज़ाइन, बीडेड बैकनेक डिज़ाइन और लटकन्स का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वो सभी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑल्सो अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप ज़रिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये सेमी सर्कल शेप कम्प्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं। मैंने सिल्क थ्रेड से कम्प्लीटली वर्क कर लिया है। अब इस नए नीडल को ब्लाउज़ के बैक साइड लाएंगे और इस रिंग को टर्न करके यहाँ पे 2 से 3 अच्छे से नॉट्स लगाएंगे। इन सिल्क थ्रेड के नॉट्स लगाने के बाद इन सिल्क थ्रेड को कट कर लेना है। ये हमें टाइटली नॉट्स लगाने हैं, इसी तरह से हम बाकी सभी भी वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये सभी वर्क कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें ये जो नॉर्मल स्विंग नीडल है उसमें कॉटन थ्रेड लेना है और यहाँ पे एक नॉट डाल लेना है। उसके बाद ये जो वर्क किया हुआ है, उन थ्रेड्स के बिल्कुल नज़दीक से हमें नीडल को पास करना है। इन थ्रेड्स के ऊपर नहीं, बल्कि नज़दीक से हमें नीडल को पास करना है। और अब इस नीडल में 3 आरी वर्क के बीड्स लेंगे और इन्हें इन थ्रेड्स के नज़दीक में थोड़े से डिस्टेंस पे इस तरह से नीट करके यहाँ से थोड़े से डिस्टेंस पे स्टिच कर लेना है, ये देख सकते हैं। इस तरह से इन थ्रेड्स के नज़दीक ही हमें स्टिच करना है। ये स्टिच हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमें फिर से 3 बीड्स लेने हैं और इन्हें इन थ्रेड्स के नज़दीक में बिल्कुल टच करके थोड़े से डिस्टेंस पे स्टिच कर लेने हैं। ये मैंने स्टिच कर लिए हैं। इसी तरह से हम सिर्फ इन नॉर्मल सेविंग नीडल से इतना ग्रैंड और ब्यूटीफुल हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क बना सकते हैं स्टिच्ड ब्लाउज पे। एक बार इस डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आएगा। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, मैंने ये सेमी सर्कल शेप कंप्लीट कर लिया है। एवरी 3-3 बीट स्टिच करके थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब ये सेमी सर्कल शेप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमें नीडल को इस दूसरे वाले सेमी सर्कल के शेप में पास कर लेना है। इसी तरह से हम ये जो हमने सेमी सर्कल शेप पे बीड स्टिच कर लिए हैं, बाकी सभी में भी स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये सभी में बीड स्टिच कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें ये जो सेंटर में प्लेस है, यहाँ पे कुंदन लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा जो प्लेस बचा हुआ है वहाँ पे कुंदन लगाएंगे। हमने इस पूरे वर्क में सिर्फ इन कुंदन को स्टिक करने के लिए गम यूज़ किया है, बाकी पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसी तरह से हम इन दोनों सेमी सर्कल शेप के ऊपर फिर से एक सेमी सर्कल शेप बना के वर्क कंटिन्यू करेंगे।
फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं मैंने सेमी सर्कल शेप में एक एक और इन दोनों के ऊपर स्टिच कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें इस तरह के स्मॉल लॉन्ग बीड्स लेने हैं और इन दोनों के सेंटर में ये जो प्लेस है यहाँ पे इन्हें स्टिच करेंगे। यहाँ पे नीडल को पास कर लेना है, उसके बाद इसमें एक लॉन्ग बीड और एक स्मॉल आरी वर्क का बीड स्टिच इंसर्ट कर लेंगे और इन्हें हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इन लॉन्ग बीड्स के बदले में ड्रॉप शेप का कुंदन भी यूज़ करके यहाँ पे स्टिक करके उन्हें स्टिच कर सकते हैं। उसके आउटलाइन में आरी वर्क के बीड्स या फिर बॉल चेन भी लगा के स्टिच कर सकते हैं, इससे ये डिज़ाइन और भी ग्रैंड और ब्यूटीफुल लगेगा। और अब हमें इन दोनों बीड्स में से नीडल को वापस से पास कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस पे नीडल को पास कर लेंगे और अब इस नीडल में फिर से एक लॉन्ग बीड एक आरी वर्क का बीड लेना है और इसे हम क्रॉस लीफ शेप में यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से नीट करके इन्हें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये दोनों स्टिच हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमें फिर से दो बीड्स लेने हैं, एक लॉन्ग बीड एक आरी वर्क का बीड, और इन्हें हम इस साइड में स्टिच कर लेंगे। इन बीड्स को नीट करके यहाँ पे इस साइड में स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें एवरी तीन सेमी सर्कल के बाद इन तीन तीन बीड्स को स्टिच करके वर्क कंप्लीट कर लेना है। मैंने यहाँ पे तीनों स्टिच कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स अब ये वर्क कंप्लीट हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन एक नए वर्क के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।